हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 35। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट अगर हो तो वाई का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी कि वाई का क्या वैल्यू होगा अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट हो। तो यहाँ पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और दूसरा पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है 10 y। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स यानी कि हमारे पास पी क्यू जो दिया हुआ है वह क्या है, 10 यूनिट्स है। हम लोग यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से इधर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 10 - 2 का स्क्वायर और फिर प्लस में वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का 100 इक्वल टू में 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 64 प्लस का 9 माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन करते हैं, y प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन करते हैं, y प्लस का 9 आ जाएगा। y प्लस 9 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ y और माइनस 3 इक्वल टू 0 बचेगा। अलग अलग कर देते हैं, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू माइनस का 9 और यहाँ y का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बोथ पॉइंट A एंड B फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अच्छा, यहाँ P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट देखिए K - 1, 2। अच्छा, A क्या है इसका कोऑर्डिनेट है 3, K। अच्छा, B क्या है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे है K, 5। यहाँ क्या कह रहा है कि P जो है ना A और B से इक्विडिस्टेंट है, आपके क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है कि द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है K - 1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3K एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है K, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दिया है कि PA जो है ना PB के इक्वल है। तो यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं, लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करने से इधर हो जाएगा PA का स्क्वायर और इधर हो जाना है PB का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं K - 1 - 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 - K का स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका K - 1 - K का स्क्वायर और फिर प्लस में 2 - 5 का स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाना है K - 4 का स्क्वायर और इसे आप लिख देते हैं 2 - K का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, K² - 2 × K × 4 प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2² - 2 × 2 × K प्लस K² ठीक है और इक्वल टू में यहाँ 1 + 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए K² यहाँ 2K² हो जाएगा, माइनस का 8K माइनस का 4K ठीक है और प्लस का यहाँ देखिए 16 प्लस का 4 माइनस का 10, ये 10 होगा ना, इधर के माइनस का हो गया। तो यहाँ 2K² माइनस का 12K और प्लस का 10 इक्वल टू में 0। तो अब एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, K² माइनस का 6K प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा K² - 6K प्लस 5 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, K² - 5K × 5K - K + 5 इक्वल टू 0। फैक्टर ऐसे ना होगा जी, K कॉमन करेंगे K माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे K - 5, दोनों ब्रैकेट में सेम है, K - 5 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ K और -1 = 0। अलग अलग करेंगे K - 5 = 0, K - 1 = 0, यहाँ से K का वैल्यू 5 और K का वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट B एंड C फाइंड P एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। चलिए देखते हैं, A पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 2।
ये बी और सी से इक्वी डिस्टेंस है, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3p और एक सी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है p5, तो इन दो यहाँ ए से इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। आपके क्वेश्चन में क्या रहा है ना जी, तो हमें इसमें जो ये p दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना है, और अभी हमें ए बी का लेंथ भी निकालना है। तो p निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास दिया है कि द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0.2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3p एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है p5, यानी कि यहाँ पे ए बी जो है ना ए सी के इक्वल दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, इधर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में इधर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में p-2 का स्क्वायर इक्वल टू में p-0 का स्क्वायर प्लस में 5-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए p स्क्वायर माइनस 2 into p into 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस में यहाँ 3 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, p का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, -4p + 4 इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा माइनस का 4p इक्वल टू में इधर आ जाएगा -4, ये जाएगा डिवाइड में, तो p का वैल्यू 1 आ जाएगा। p 1 आ गया, हमें ए बी निकालना है, ए ही ना है जी, तो ए का ऊपर कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या था, ए का कोऑर्डिनेट था आपका कितना था जी, 0.2 ना, ऊपर मैं दिखा रहा 0.2 था, 0.2 था। तो अगर हमें ए, अरे यहाँ पे अगर देखें तो, और अब इसे लिख सकते हैं 3.1 ना पी का, चलिए तो अगर हमें यहाँ पे ए बी निकालना है तो हो जाना है रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3-0 का स्क्वायर और 1-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 3-0 का स्क्वायर और प्लस में 1-2 का स्क्वायर, अंदर सॉल्व करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 9+1 यानी रूट अंडर 10 यूनिट्स ए बी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नेम द क्वाड्रेटर फॉर्म्ड इफ एनी, अगर वो कोई क्वाड्रेटर हो रहा है तो उसका नेम फॉर्म बताना है, और फिर क्या करा है, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, इसके इन पॉइंट्स से हमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटर फॉर्म होगा, अगर है तो हो रहा होगा तो, और उसका रीजन भी देना होगा यहाँ पे। चलिए हम लोग ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग साइड्स और डायगोनल पहले निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, रूट अंडर x2-x1 का स्क्वायर प्लस में y2-y1 का स्क्वायर, यानी अगर हम लोग ए बी से शुरू करें तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ जाएगा 1-1 एंड प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0-1 + 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 4+4 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे ये 2√2। चलिए अब इसके बाद बी सी निकालते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे -1-1 का स्क्वायर और प्लस में 2-0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, यहाँ भी वही आ जाएगा 4+4 यानी 8 यानी कि 2√2। फिर उसके बाद हम लोग सी डी निकालते हैं, सी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो -3 - -+ हो जाएगा स्क्वायर और 0-2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4+4 2√2। चलिए अब उसके बाद ए डी देखते हैं, तो ए डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी यहाँ पर -3 - -1 का स्क्वायर और प्लस में 0-2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे 4+4 2√2, चारों साइड इक्वल हो गया। अब डायगोनल निकालते हैं, ए सी पहले निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, तो -1 - -+1 का स्क्वायर और फिर 2+2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे ए सी के बाद हम लोग बी डी निकालते हैं, तो बी डी के लिए क्या हो जाएगा, बी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो -3 - -1 का स्क्वायर और प्लस में 0-0 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा -4 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि चारों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू में ए डी एंड डायगोनल भी इक्वल हो रहा है, तो ये कैसा है जी, स्क्वायर है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफोर ए बी सी डी इज ए
स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म हो गया, समझ गए। चलिए अब इसका यहाँ पर हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग चलिए एक एक करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी सी डी सब डायगोनल निकल, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर, फॉर्मूला लिख देते हैं बार बार लिखेंगे तो जरूरत है नहीं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं, ए बी रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पर 3 - - थे तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 16, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 52 ना रूट अंडर, ठीक है रूट अंडर 52 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2√13। चलिए अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी के लिए, बी सी के लिए हो जाएगा यहाँ पे 0 - 3 का स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, 9 और प्लस में 4 यानी रूट अंडर 13। अच्छा सी डी निकालते हैं, सी डी के लिए हो जाएगा देखो क्या सी और डी के बीच का डिस्टेंस होगा -1 - 0 का स्क्वायर और फिर प्लस में -4 - 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर और प्लस में -7 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 + 49 √50 हो जाएगा, यानी आ जाएगा ये कितना, ये आपका आ जाएगा 5√2। ठीक है अब ए डी निकालते हैं, ए डी के लिए क्या हो जाएगा ए और डी के बीच का डिस्टेंस, तो -1 - -+3 का स्क्वायर और प्लस में -4 - 5 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -9 का स्क्वायर, यानी कि 4 और प्लस का 81 यानी √85 हो जाएगा। ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब चारों साइड तो निकल सब अन इक्वल है। अच्छा डायगोनल निकाल के देखते हैं, ए सी, ए सी के लिए देखिए क्या हो जाएगा ए और सी के बीच का डिस्टेंस -0 - -3 तो प्लस हो जाएगा और 3 - 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ प्लस में -2 का स्क्वायर, तो 9 और प्लस का यहाँ 4√13। अच्छा हमें अब यहाँ पे आप देखो, अब इसके बाद अगर बी डी निकालेंगे तो बी डी क्या हो जाएगा बी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा -1 - -3 का स्क्वायर और प्लस में -4 - 1 का स्क्वायर। ठीक है तो -4 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 और 25 यानी आ जाएगा यहाँ पर ए 1 और यहाँ 41 √41। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, क्या देखने को मिल रहा है हम लोग, अगर आप सोचो अगर एक क्वाड्रिलेटर भी बनता, आप समझिए ए बी सी डी, अब देखो हमें बी सी और ए सी को ऐड करें, बी सी और ए सी को ऐड करें तो इन इन दोनों का सम 2√13 होगा और जो कि इक्वल हो जाएगा आपके किसके, ये किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी ट्रायंगल के, जब ये ट्रायंगल फॉर्मिंग होगा तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा, नहीं ना हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ दो गो का सम ये तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए ना, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं, ठीक है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, समझे ना। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे भी वही दिखाना है क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, पहले हम लोग बताना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, अगर है तो देख लेंगे पहले है कि नहीं इसके लिए ना, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर ही ना हमारा हो जाएगा जी। चलिए आगे देख, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक एक करके, ए बी पहले निकालते हैं, ए बी के लिए क्या हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे 7 - 4 का स्क्वायर प्लस में 6 - 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 + 1 यानी यहाँ 10 आ जाएगा रूट अंडर। चलिए अब इसके बाद बी सी निकालते हैं, बी सी के लिए क्या हो जाएगा √4 - 7 का स्क्वायर और प्लस में 3 - 6 का स्क्वायर, चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 9 + 9 √18 यानी कि 3√2 हो जाएगा। सी डी निकालते हैं,
सी डी के लिए देखिए, सी और डी के लिए यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, यानी कि 9 और प्लस का 1 √10 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग ए डी की बात करेंगे तो ए डी हो जाएगा √1 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3 का स्क्वायर और फिर प्लस में -3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 प्लस का 9 यानी √18, 3√2 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग डायगोनल ए सी की बात करेंगे, ए से सी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 0 का स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर, तो ये 4√2 यानी कि 2 हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग बी डी की बात करेंगे, बी डी बी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, -6 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 और प्लस का 16 यानी कि आपका आ जाएगा √52 यानी आ जाएगा आपका 2√13। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू में सी डी है, बी सी इक्वल टू में ए डी है और डायगोनल अन इक्वल है, तो पैरेललोग्राम ना हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।